भारत एक बहुत पुरानी सभ्यता और संस्कृति वाला देश माना जाता है, जो विविधता से भरा हुआ है। इस देश में कई धर्मों के लोग साथ मिलकर बड़े प्यार से रहते हैं। यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें और रहस्य छुपे हुए हैं जिनको आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। यहाँ की विविधता भरी संस्कृति, भौगोलिक स्थिति, जलवायु को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते ही रहते हैं। आज ऐसे ही एक रहस्य के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो अपनी मर्जी से लोगों को दर्शन देता है। भारत में सबसे ज्यादा पर्यटक यहाँ के मंदिरों को देखने के लिए आते हैं। यहाँ के कई ऐसे मंदिर हैं जो आश्चर्यों और रहस्यों से भरे हुए हैं। भारत में करोड़ों देवी देवता हैं और उन करोड़ों छोटे बड़े मंदिर हैं। भारत को हम जादू की नगरी भी कह सकते हैं, क्योंकि भारत में वो होता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जो अपनी मर्जी का मालिक है। वो चाहता है तो किसी को दर्शन देता है और नहीं चाहता है तो गायब हो जाता है। दरअसल ये मंदिर समुद्र के बीच में बना हुआ है, जिसकी वजह से जब पानी कम होता है तो ये मंदिर दिखता है, और जैसे ही जल स्तर बढ़ जाता है तो ये मंदिर गायब हो जाता है। इस मंदिर को नागेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर अरब सागर के बीच में बना हुआ है और शिव जी का मंदिर है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं और मनोकामनाएं मांगते हैं। इस मंदिर का शिवलिंग तभी दिखता है जब समुद्र में पानी कम होता है। इस मंदिर की कई और ऐसी खासियत है जिन्हें जानकर आपको यकीन नहीं होगा। वहीं भारत में धर्म को काफी महत्व दिया जाता है और ऐसे में लोग कई मंदिर को काफी शुभ मानते हैं। नागेश्वर मंदिर उन्हीं मंदिरों में से एक है। यहाँ बोला हुआ हर काम पूरा होता है और अक्सर यहाँ से कोई भक्त खाली हाथ नहीं जाता। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से विनीत राय की रिपोर्ट।